तो व्यूअर्स ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं और अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। हमने देखा है हमारे हम ड्रेस डिजाइनर के बारे में सुनते आए हैं, ज्वेलरी डिजाइनर के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन आज कल के दौर की अगर बात की जाए तो अब हम लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, इसी तरह नए नए डिजाइन आ गए हुए हैं और बहुत सारी चीजें आ गई हुई हैं, तो नई नई चीजें हैपनिंग हो रही हैं, तो उसी हवाले से बात करेंगे। अभी इस वक्त हमारे साथ एक केक डिजाइनर मौजूद है हमारे सेट पर और राबिया हमारे साथ मौजूद है, इनको वेलकम कहेंगे। वेलकम राबिया। सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी, आप देख इतनी अच्छी रही हैं और मुझे लग रहा है ड्रेस भी आपने खुद ही डिजाइन की है। थैंक यू। अच्छा राबिया, मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि हमने सुना नहीं था इस तरह से कि केक डिजाइनर भी अब हमारे मुल्क में शुरू हो गए हैं। बाहर तो हम देखते थे केक, हमें लगता था कि ये बेकरी जो बेकर्स हैं उनका काम है, लेकिन आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ, किस तरह से सोचा इस आइडिया के बारे में? एक्चुअली इसी तरह से है कि पहले हम लोगों ने भी नहीं सोचा था, सब ड्रेस डिज़ाइनिंग की तरफ। हाँ। यू नो, जितनी चीज़ें फैंसी होती जा रही होती हैं और आप इवेंट के लिए आपको ज़रा और फैंसी स्टफ़ चाहिए होता है, तो बर्थडे केक्स हमारे पास यहाँ पर नहीं थे उस तरह के फैंसी, जस्ट ड्राइंग केक्स। एग्जैक्टली, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एग्जैक्टली। फिर मुझे अपनी बेटी के लिए केक बनाना था एक्चुअली, तो फिर आई स्टार्टेड लाइक दिस, वाई नॉट माई सेल्फ, बिकॉज मैं कुकिंग तो अच्छी करती हूँ एंड आई एम फ्रॉम द कॉलेज ऑफ फार्म इकोनॉमिक्स, तो उसका आर्टिस्ट तो आपके अंदर है। एग्जैक्टली वो था। तो फिर किस तरह से इसको कैरी किया, किस तरह से आगे लेकर गई और कैसे आइडियाज आना शुरू हुए? एक्चुअली जब बर्थडे के लिए केक बनाया, फिर उसके बाद फैमिली में भी काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, फ्रेंड्स ने अप्रिशिएट किया, फिर उन्होंने कहा नहीं, यू शुड डू इट प्रोफेशनली। तो फिर पहले फैमिली मेम्बर्स कहते थे अच्छा हमारी बर्थडे के लिए बना दें, इवेंट के लिए बना दें, डिजर्ट्स बना दें, तो फिर उस तरह से ग्रेजुअली वर्ड ऑफ माउथ के साथ। फिर तो अब ऑर्डर पे आप करती हैं? जी मैं ऑर्डर पे करती हूँ। अच्छा, तो इसके लिए आपने क्या कोई यूट्यूब चैनल बनाया, क्योंकि हमने देखा कि सोशल मीडिया पर आजकल इस तरह के बड़े चल रहे हैं, ट्यूटोरियल बना लिया और हाँ। उसके बाद उस पर अपलोड कर दिया, फिर लोग आपको लाइक करते हैं, वहां से आपके व्यूअर्स भी ज्यादा हो जाते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, उसके बाद फिर ऑर्डर आना शुरू होते हैं, इसी तरह चैनल के थ्रू आप चल रहे हैं? इसी तरह से, नॉट एग्जैक्टली द चैनल, मैं थ्रू फेसबुक करती हूँ। ठीक है, आई हैव स्टार्टेड दिस थिंग। सबसे पहले शुरू में फेसबुक पे मैंने एक पेज बनाया, उस पर कुछ पिक्चर्स अपनी ऐड की, जो जो केक्स बनाती जाती थी उनकी पिक्चर्स ऐड करती जाती थी। तो इस तरह से फिर उस पर लाइक्स आना शुरू हुई, लोगों ने फिर उसके बारे में पूछना शुरू किया, मैसेजेस किए, फिर इस तरह से करते करते जो चीज़ें पहले मैंने घर से स्टार्ट किया था, अब मेरे पास एक प्रोफेशनली। मैं चाहूँगी कि हमारे कैमरामैन ना इसको फोकस करें और दिखाएं इनका काम कितना खूबसूरत है, कितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ये केक बनाए हुए हैं। अच्छा राबिया, थोड़ा सा आप ना डिस्क्राइब भी कर दें कि किस किस तरह आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हुई हैं इसमें, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं देखें। अगर आप फोकस करेंगे फर्स्ट वाले केक को तो मैं आपको बता सकूँगी। हाँ जी, ये बटर क्रीम है, बटर क्रीम के साथ और क्रीम के साथ ये स्वरल्स बना के और इसको डेकोर किया है। इट्स ये ज़्यादा इसमें यू नो इट्स मोर एडिबल पार्ट। ठीक है, होता यह है कि फॉन्डेंट और मोर थिक शुगर आइसिंग वो खाई नहीं जाती है, लोग ज़रा उसको यू नो डिस्करेज करते हैं क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा होता है, तो इट्स ऑल एडिबल। ठीक है, और इसमें मीठे की क्वांटिटी कम होती है, एग्जैक्टली लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं तो इसलिए। और ये जो दूसरा वाला है, ये एनिवर्सरी और बर्थडेज के लिए इस तरह से केक्स हम बनाते हैं, और ये फॉन्डेंट स्टफ है और इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स बना के कलर, तो मुझे वैलेंटाइन डे केक भी लग रहा है। एग्जैक्टली वो जरा कलरफुल उस तरह का है इसके अंदर। और ये जो हमारा थर्ड वाला केक है, ये भी इसी तरह से है कि इसमें डिफरेंट एक्चुअली ये सारे जो हैं डाइज हैं इसके साथ और फॉन्डेंट की डेकोरेशन करके और इसको तो इसमें आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ किए हुए? इंग्रेडिएंट एक्चुअली इन केक्स की सबसे स्पेशलिटी ज़्यादा ये है कि जो चीज़ भी अगर हम इन केक्स को वैसे फॉलो करें इंटरनेशनली वो हार्ड केक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो केक्स मैं बनाती हूँ ये सॉफ्ट हैं। ठीक है, तो इनको आप बस उसी वक्त बनाते हैं, डेकोर करते हैं और उसके बाद लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि अंदर इसके सॉफ्ट केक हैं। ठीक है, तो अच्छा राबिया मैं पूछना चाहूँगी कोई होटल या कोई इस तरह वो भी आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं, उनके लिए भी ऑर्डर पे बनाती हैं केक? कॉर्पोरेट केक्स बनाते हैं लेकिन सिर्फ केक्स जो हैं मैं कहीं और नहीं रखती हूँ। ठीक है, किसी और को नहीं हम करते उस तरह से, लेकिन मेरे पास से लोग लेते हैं। आपने कुछ सोचा इस हवाले से कि कोई कैफे बना दिया जाए या कुछ? Yes, we do have actually. Okay. जी. अच्छा. और we are running a cafe और उसको ही बल्कि फ्यूचर में हम उसको इसी तरह से प्लान कर रहे हैं कि लाहौर में भी उसकी डिफरेंट शॉप्स हो और कैफे हो इस्लामाबाद में। ठीक है, तो आगे से ये अपने बच्चों को भी आप सिखा रही हैं?
मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद सिखाने की ज़रूरत ना पड़े. माशाल्लाह आई हैव थ्री डॉटर्स इन हसन और वो सारा दिन मुझे यही काम करते हुए देखते हैं और एक इंस्पिरेशनल किस्म की मॉम होती है. तो मैं तो उनके लिए उसी तरह से हूँ लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है. अच्छा तो कुकिंग का भी शौक है या वो सिर्फ बेकिंग आइटम्स? नो नो आई एम अ गुड कुक. अच्छा गुड कुक भी आप. अच्छा चलें मुझे ये बताएं कि जब कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसा कोई इवेंट हो जिसके लिए आपने केक ऑर्डर किया हो और वो बिल्कुल एट द 11th आवर बिल्कुल ख़राब हो जाए या पिघल जाए, कुछ इस तरह का कभी इंसिडेंट हुआ, कोई शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली डेली बेसिस पे बहुत कुछ होता है. उसमें होता ही है कि समटाइम्स मैं भी केक भूल जाती हूँ. ह्यूमन एरर्स हर जगह पर होते हैं. ठीक है, कुछ लोगों का एक्चुअली टाइम का मिसमैनेजमेंट हो जाती है तो उससे फिर हम लोग डेली बेसिस पे करते रहते हैं कि अगर बिकॉज आई हैव अ टीम और उनको मैंने ट्रेन किया हुआ है तो फिर ये होता है कि सपोज़ अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो हम गेस्ट को भी कहते हैं आप थोड़ी देर वेट कर लें, वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा चलिए ये तो बहुत अच्छी बात. अभी हमारे साथ एक नाजरीन सिंगर मौजूद है क्योंकि जागो लाहौर का शुरू से ये खासा रहा है कि जो टैलेंट है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, उसको प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो आगे आए, उसको प्रमोट किया जाए. तो अभी हमारे साथ जो सिंगर मौजूद है उनका नाम है शुबाना. शुबाना आपको वेलकम कहेंगे और मुझे ये बताएं कि कब स्टार्ट की है सिंगिंग? आपने बिल्कुल गाना शुरू किया? मैंने बचपन से स्टार्ट किया था, बचपन से नात खानी करती थी और उसके बाद 2007 में मैंने बकायदा सूफियाना कलाम हीर वारिशा में फर्स्ट अवार्ड हासिल किया. ये पूरे पंजाब की तरफ से मुकाबला हुआ था, उसमें मैंने विन किया था. उसके बाद बाबा बुल्ले शाह के दरबार सैयद वारिस शाह के मादुल्लाह हुसैन उनके वहाँ परफॉर्म किया, वहाँ भी फर्स्ट अवार्ड हासिल किया. उसके बाद बकायदा मेरे एल्बम रिलीज़ हो चुके हैं हीर वारिस शाह में. अच्छा. और नाथवानी में भी एल्बम रिलीज़ हो चुकी हैं और सूफी ट्रैक भी मैंने बनाए हैं. तो इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कि मैं इन बुजुर्गों का कलाम लेके जाऊँ. राबिया से बात करते हैं, राबिया बड़ी खामोश बैठी हुई है. राबिया इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या करती हैं? मुझे लगता है इसके अलावा मुझे एक्टिविटी की किसी की ज़रूरत नहीं है. एग्जैक्टली सुबह से लेकर शाम तक फिर उसके ऑर्डर्स होते हैं, उनको कंपाइल करना होता है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह. तो पाकिस्तान में किस तरह देख रही हैं इसको ओवरऑल? अगर अब तो बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं. आई एम द पायनियर वन. व्हेन आई स्टार्टेड तो उस वक्त तो कोई भी नहीं इस तरह से फैंसी केक्स कर रहा था, वेडिंग केक कर रहा था, ऐसा कोई भी नहीं कर रहा था. लेकिन अब तो एवरीबडी इज डूइंग. मुकाबला सख्त है काफ़ी. अच्छा है, बहुत अच्छा है. अच्छा है. अच्छा, इट्स नॉट अबाउट के मुकाबला है, यू नो. नहीं, जब आई एम द इंस्पिरेशन फॉर एवरीबॉडी, फिर आप नई से नई चीजें करने का सोचते हैं, ज्यादा अच्छा करने का सोचते हैं. एग्जैक्टली. देखिए अब एक तरह से केक हम बना रहे हैं, फिर उसके बाद वी नीड टू ऐड सम क्रिस्प इन इट. जब तक कि कुछ नया नहीं होगा, कुछ उसके अंदर इनोवेटिव नहीं होगा, तब तक ये सारे केक सब ने ऑर्डर कर लिए, सब ने इंजॉय कर लिया, पिक्चर्स हो गई. अब यू नो पीपल वॉन्ट मोर एंड मोर. हाँ. तो फिर उसके लिए कुछ क्रिएट करना, तो वो आप उसके अंदर ऐड करते जाते हैं. तो वही क्रिएटिविटी है, वही आर्ट है और उससे मुझे लगता है सेटिस्फेक्शन मिलती है. अच्छा, तो कितना टाइम लगता है ये केक बनाने में? एक्चुअली इट्स अ प्रोसेस. ये जो सारे केक्स होते हैं ना, ये ऐसा नहीं होता कि हम एक केक शुरू करते हैं और उसको फिर एंड करते हैं. पहले बेकिंग होती है, फिर उसके बाद उन पर एग्जैक्टली. हाँ, फिर उसको उसको हम अच्छे से ठंडा करते हैं. फिर मीनवाइल उसका सारा जो डेकोरेशन वाला स्टाफ होता है वो बनाते हैं, करेक्टर्स बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं, फिर उनको सबको ज्वाइन करते हैं और फिर इस तरह से. तो सारा काम आप खुद करती हैं? नहीं, आई हैव अ स्टाफ. अब ठीक है, तो वो मेरे साथ हेल्प करवाते हैं. लेकिन ऑलमोस्ट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो एक केक जो है वो 6 to 8 hours में बनता है. 6 to 8 hours लग जाते हैं इसको बनाने. अगर आप उस तरह तो ये इसकी आगे सेल आउट अगर बात करें तो वो अच्छी है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास बहुत अच्छा क्लाइंटेल है. और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग रिलाई करते हैं. देखिए, अगर आप कहीं से भी कोई स्टफ़ कुछ भी एडिबल लेने जा रहे हैं जो मैं खा सकती हूँ, जो मेरे बच्चे खा सकते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि उससे अच्छा और उस तरह का मैं वो चीज़ अपने केक्स में स्टफ़ यूज़ करूँ. अच्छा. तो फिर लोग उसको जब जो रिलाई करता है आपके ब्रांड पे, वो आके फिर आपसे ही बाय करता है. ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, तो आपने क्वालिटी ब्रांड बनाया था उस टाइम क्या सोचा था और अब आप अपने आप को कहाँ पे देख रही हैं? अच्छा, ऑनेस्टली आपको एक चीज़ बताऊँ, लोग ज़रूर ये कहते हैं. हाँ. और सभी ये कहते हैं जी हमने पहले से सोचा था. लेकिन जब तक कि कोई मोटिव नहीं होता और जब
तक आप कुछ वो सोच का एलिमेंट नहीं रखते अपने माइंड में, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते. बिल्कुल. जो हमने ये नाम रखा, नाम भी इसीलिए रखा कि इट्स अ मल्टीलिंगुअल नेम. इसका 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर. रेडुलेंस. अच्छा. रेडुलेंस का मतलब है नॉस्टैल्जिक स्मेल. ओह नाइस. इट्स अ पोएटिक वर्ड. लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसकी प्रोनंसिएशन डिफरेंट है, लेकिन इसका मीनिंग सेम है. हमने नाम ही ऐसा चूज किया कि हमें अपने ब्रांड को लेके आगे बढ़ना था. ठीक है. उसको उसके लिए हमने सोचा कि कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जो एटलीस्ट, और जहाँ पर आप ये बात कर रहे हो कि अपने ब्रांड को कहाँ देखती हूँ अपने, और अब यू नो कि पहले क्या सोचा था, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है जैसा सोचा था अल्लाह ताला ने बहुत ब्लेस किया. बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है. और अभी हम शुबाना की तरफ भी चलते हैं. शुबाना बड़ी खामोश है, हमारी बातें सुन रही है. अच्छा शुबाना, मुझे बताएं कि अभी कहाँ कहाँ पर आप गा रही हैं? मैं शो कर रही हूँ बाहर और लाइटिस होटल वगैरह में. अच्छा, वहाँ पे आप शो करती हैं? मौसीकी की कोई महफिल होती है तो वहाँ मौसीकी की महफिल, और वैसे भी सूफियाना. अभी हमें क्या सुनाने वाली है? अभी मैं आपको एक अपना सॉन्ग एंड तो सूफीज़ में बनाया हुआ है, तो बस आपने खुद लिखा है? नहीं नहीं. अच्छा. कंपोज मेरे टीचर अफसर अब्दुल रऊफ हैं, उन्होंने कंपोज किया. और उनका जरूर इश्क सजने दिया ओ
वेरी नाइस, खूब गाया आपने, बहुत अच्छा गाया और बहुत अच्छा लगा, आपने भी टाइम दिया और आपने भी टाइम दिया। अच्छा मुझे बताएं कि आप कोई मैसेज देना चाहें अपने जो ऐसे लोग जो गाना चाह रहे हो लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म ना मिल रहा हो या कोई तरीका कार ना हो पता हो, तो उनको कोई मैसेज कहना चाहूँगी आपके सामने, जिनकी आवाज़ है वो अपने टैलेंट को आगे लेकर आए, कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और अगर उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अगर उनकी अच्छी आवाज़ है तो वो आगे आएँ और अपनी वो जो गाना चाहते हैं वो उनको परफॉर्म करें, अपने एल्बम बनाएं। और आजकल तो माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, तो जो चीज़ नेट पे हम डालते हैं वो फ़ौरन अपडेट हो जाती है और लोग उनको देखना शुरू कर देते हैं, तो अपने आप को आगे ऐसे प्रेजेंट करें। और मैं तो सूफियाना कलाम पढ़ती हूँ, मेरा यही शौक है कि मैं बुजुर्गाने दीन का कलाम आगे ले कर आऊँ, उन्होंने क्या कहा हुआ हमारे, तो मैं आपकी तरफ से कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को? मैं तो यही मैसेज दूंगी कि सबसे पहले तो कोई भी काम अगर आप कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, नेवर गिव अप। अगर आप गिव अप कर देते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, यू नो फॉलो योर लाइंस, आप गिव अप कभी ना करें। ठीक है, थैंक यू सो मच राबिया, थैंक यू सो मच शुबाना, आपने हमें टाइम दिया जागो लाहौर को। नाज़रीन आपको भी यकीनन आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा और कल भी हम इसी वक्त पे हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।